सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के एयर फाइबर के बारे में। क्या 2024 में आपको जियो का एयर फाइबर लेना चाहिए? सो मेरे भाई, इसी वीडियो में मैं आपको जियो एयर फाइबर के एडवांटेज बताने वाला हूं। अगर आपको डिसएडवांटेज जानने हैं तो मेरे भाई, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी है, तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। और भाई, क्लियर डिस्क्लेमर कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है जियो की तरफ से, ना ही भाई मैं आपको कोई धक्का कर रहा हूँ कि आपको लेना ही लेना चाहिए, और ना ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपको नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है। मैं भाई आपको सिर्फ इसकी पॉजिटिव बातें आज बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देखना तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। सो पहला एडवांटेज भाई ये है कि जियो के एयर फाइबर को मतलब कि शिफ्ट किया जा सकता है। मैं वो शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, मैं उस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ जैसे कि आपको मान लो कि रूम चेंज करना है तो आप आसानी से रूम चेंज कर सकते हो। आपको सिंपली भाई RJ45 लंबी ले लेनी है, वो आउटडोर यूनिट से अपने इंडोर यूनिट में लगा लेनी है, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और आप आउटडोर यूनिट को अपने घर में मतलब और जगह पे भी, छत पे कहीं और जगह पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान होता है। बट भाई उस केस में आसान नहीं होगा अगर आपके आउटडोर यूनिट से किसी और बंदे को कनेक्शन दिया जा चुका है। और कंपेयर टू भाई जियो एयर फाइबर और जियो का जो ऑप्टिकल फाइबर वाला कनेक्शन है, इन दोनों में से जो फास्ट मतलब कि जो एक्टिवेट हो जाता है, सर्विस चालू हो जाती है, वो है भाई जियो एयर फाइबर की। वो जल्दी क्विक इंस्टॉलेशन हो जाता है। और मेरे भाई जियो एयर फाइबर की पॉजिटिव बातें की बात कर लें तो भाई जियो एयर फाइबर में हमें साथ ही सेट टॉप बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। आप बोलोगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑप्टिकल फाइबर वाले कनेक्शन में भी जियो वाले में हमें सेट टॉप बॉक्स मिल ही रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि भाई एयरटेल वाले जो अपना एयर फाइबर दे रहे हैं उसमें वो कोई भी सेट टॉप बॉक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये अकेला जियो ही है भाई जो आपको सेट टॉप बॉक्स दे रहा है, और अभी भी कई भाई बोल रहे हैं कि भाई अभी भी हमें ये महंगा लग रहा है। सो मेरे भाई आप महंगा मत बोलो इसको, बट अगर मान लो कोई बंदा सेट टॉप बॉक्स वैसे ही लेना चाहता है, उसने कनेक्शन नहीं लेना, वैसे ही मतलब कि वो लेना चाहता है, तो भाई इस सेट टॉप बॉक्स की कीमत 5,000 से 5,500 रुपए है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भाई कनेक्शन के साथ मिल रहा है। और मेरे भाई जियो के एयर फाइबर में और भी बड़े फायदे हैं, जैसे कि भाई आपको 599 वाले प्लान में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको OTT भी देखने को मिल जाएगी, इंटरनेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको 550 प्लस लाइव TV चैनल भी देखने को मिल जाते हैं। और भाई जियो के सेट टॉप बॉक्स में एक और भी बहुत बड़ी एक खूबी हमें देखने को मिलती है। मान लो मतलब किसी चैनल ने मतलब कोई सीरियल है या फिर कोई मूवी दिखानी थी, बट उस टाइम आप मतलब बिजी थे या फिर आप उस टाइम घर पे नहीं थे, पर भाई ये एक फीचर देते हैं जिसे ये कैचअप TV बोलते हैं, ठीक है। कैचअप TV में ये फ़ायदा है कि आप मतलब कि पिछला कोई भी सीरियल या फिर आप पिछला कोई भी मूवी अगर किसी चैनल ने दिखाई होगी तो आप कैचअप TV में जाके वो देख सकते। और मेरे भाई जियो एयर फाइबर की एडवांटेज की बात कर लें तो भाई जियो के एयर फाइबर का जो इंडोर वाला जो राउटर है भाई काफ़ी तकड़ा है कंपेयर टू जो जियो का ऑप्टिकल फाइबर वाला आता है। तो जियो का एयर फाइबर वाला जो राउटर है तकड़ा क्यों है, क्योंकि भाई ये वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, और भाई इससे हम बहुत बंदे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल वाला जो फाइबर कनेक्शन है उससे 25 से 30 हो सकते हैं, बट जो एयर फाइबर वाला राउटर है वो वाईफाई 6 होने की वजह से उसकी रेंज काफ़ी लंबी होती है और उससे लगभग 100 बंदे कनेक्ट हो सकते हैं। और भाई जियो एयर फाइबर की एडवांटेज की बात कर ले तो भाई जियो एयर फाइबर में जो आउटडोर यूनिट हमारी छत पे जब लगाया जाता है, जब हमारे घर में इंस्टॉलेशन होती है, तो वो भाई आउटडोर यूनिट है, सबसे उसकी एडवांटेज क्या है कि वो वाटर प्रूफ है, और वाटर प्रूफ तो है ही है, उसकी वजह से क्या होगा हमारा जो आउटडोर यूनिट है पानी वगैरह नहीं जाएगा, डैमेज नहीं होगा। और एडवांटेज की बात कर लें कि
इसके आउटडोर यूनिट में पहले क्या थी, जब पहले पहले निकाला था फिजिकल सिम लगती थी, बट अभी आउटडोर यूनिट में सभी में आपको ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कोई फिजिकल सिम नहीं थी। और भाई ई सिम होने का एडवांटेज यह है कि उस ई सिम को कोई निकाल नहीं सकता, निकाल इसीलिए नहीं सकता क्योंकि भाई वो उसके मदरबोर्ड में ही फिटेड होती है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और भाई ई सिम को इसीलिए कंपनी ने भी लगाया होगा क्योंकि भाई जो फिजिकल सिम है उसको डालने के लिए मतलब कि उसको डिब्बी सी खोलनी पड़ती थी और फिर फिजिकल सिम डालनी पड़ती थी, और हो सकता है भाई उसमें वाटर जाने का खतरा हो, और कंपनी ने फिर इसको मतलब कि पूरे जो इनका जो आउटडोर यूनिट है उसको पूरा सील्ड ही बना दिया और ई सिम का फीचर उस आउटडोर यूनिट में दे दिया गया। और भाई इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, कोई भाई ऐसा बोलता है कि जियो का एयर फाइबर है अच्छा नहीं चलता है, डाउनलोड अपलोड स्पीड अच्छी नहीं आती है, बट भाई आप आधी अधूरी जानकारी के ऊपर बैठे हुए हो। सही जानकारी ये है कि जो 5G है वो अभी तक पूरी तरीके से कई जगह पे स्टेबल नहीं है, और स्टेबल ना होने की वजह से भाई जो स्पीड में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है और आपको स्टेबल स्पीड नहीं मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे मान लो स्टेबल है, हो सकता है भाई आपके यहाँ पे 5G के सिग्नल या फिर स्पीड वो स्टेबल ना हो, ठीक है, इसी वजह से एयर फाइबर अच्छे तरीके से आप चला नहीं पा रहे हैं, बट टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे जियो इसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत ही जल्द ये स्टेबल इंटरनेट आपकी भी जगह पे हो जाएगा, फिर आप जियो का एयर फाइबर लगवा सकते हो। और एडवांटेज की बात कर ले भाई कि जियो का एयर फाइबर अब भाई 514 सिटी में अवेलेबल हो चुका है, बट एयरटेल भाई 2 सिटी में ही सिमट के रह चुका है। और इसकी भाई और भी बड़ी एक एडवांटेज हमें देखने को मिल रही है कि जहां कहीं भी अभी तक ऑप्टिकल जियो का फाइबर नहीं पहुंचा है तो जियो कोशिश कर रहा है कि उन सभी को हम जियो एयर फाइबर प्रोवाइड करवा सकें और इंटरनेट और डिजिटल इंडिया पूरे को बना सकें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करोगे कि भाई मेरे यहाँ पे तो आया नहीं है ना, भाई धीरे धीरे आएगा, मेरे यहाँ पे भी नहीं आया है। मतलब अगर मान लो रूरल एरिया में जियो का ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो एयर फाइबर तो आना ही चाहिए, ठीक है, अगर भाई ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो एयर फाइबर तो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर एयर फाइबर नहीं देंगे तो इनकी सर्विसेज कौन यूज़ करेगा, है ना। तो ज़्यादातर एक्साइटेड तो वही लोग हैं जो विलेज एरिया में रूरल एरिया में रहते हैं, सो उनके लिए मेरे को लगता है कि काफ़ी जल्द ही जियो कुछ ना कुछ सोचेगा और जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। सो मेरे भाइयों ये वाली वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली देखना चाहते हो तो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जय हिंद।